हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और जो फर्स्ट व्यूअर्स हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहे। शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डुअल डिग्री यानी कि एक ही सत्र में किए जाने वाले दो डिग्रियों की। तो दोस्तों, इसकी वैलिडिटी पर काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी सभी जगह पर काफ़ी चर्चा में है। और अभी जो चर्चा का प्रमुख विषय है दोस्तों, वो है आगे आने वाले समय में शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो पात्र अभ्यर्थी हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, हमको मालूम है कि पहले भी 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक जुलाई में वेरिफिकेशन किया गया, लेकिन जिन्होंने एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित कर ली थी उनको बाहर कर दिया गया। और दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, साथ ही साथ हाईकोर्ट के निर्णय भी हैं जो कि पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों में दिए गए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी के संबंध में वैलिडिटी की, और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर यूजीसी ने किस प्रकार की गाइडलाइन जारी की है और क्यों जो वेरिफिकेशन प्रोसेस में बाहर कर दिया जाता है डबल डिग्री को, और 2012 का रूल क्या है जिसमें कि मान्य किया गया था लेकिन किस कारण से अब ये नियम बदल दिया गया है। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों को 3 प्रकार के जो अवार्ड बताए थे जहां पर हमको इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिए जाते हैं, तो वो अवार्ड्स हैं दोस्तों, पहला है डिग्री, दूसरा है डिप्लोमा और तीसरा है सर्टिफिकेट। हम इनमें से किन्हीं भी 2 कॉम्बिनेशन को साथ में कर सकते हैं, लेकिन जहां पर डिग्री का प्रश्न है तो वो हम नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनको कि किया जा सकता है, फिर हम उस समिति की बात करेंगे 2012 की जिसमें इसकी वैलिडिटी पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए और सवाल किए गए और निर्णय क्या दिया यूजीसी ने। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं वैलिड कॉम्बिनेशन। देखिए दोस्तों, एक ये नोटिफिकेशन है आपके सामने जो कि संबंधित है डबल डिग्री के मैटर से। तो यहां पर जो कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई थी, 40वीं मीटिंग थी दोस्तों, और 8 जून 2012 में, जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग की मीटिंग के नाम से जानते हैं। और इस मीटिंग में दोस्तों 2 बातें कही गई। पहली तो ये कही गई कि जो भी डबल डिग्री का केस है, जो एक ही सत्र में 2 डिग्री कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी मान्य की नहीं जाएंगी। लेकिन मान्य किस स्थिति में किया जा सकता है कि यदि आपने 1 डिग्री 1 डिप्लोमा या फिर 2 डिप्लोमा या फिर 1 डिग्री या फिर 1 सर्टिफिकेट कोर्स, यदि आप दोनों दूरस्थ से यानी कि ओपन या प्राइवेट से करते हैं, और दूसरी स्थिति में कि या आप एक रेगुलर और दूसरा मोड प्राइवेट चूज करते हैं, तभी ये कॉम्बिनेशन मान्य होगा। और वो कॉम्बिनेशन दोस्तों कौन कौन से होंगे उसके बारे में भी आप लोग देख लें। तो दोस्तों, पहला कॉम्बिनेशन है कि 1 डिग्री एंड 1 डिप्लोमा ऑब्लिक पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन डबल डिग्री का कॉम्बिनेशन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है। दूसरा है कि 1 PG डिप्लोमा एंड 1 डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट, ये मान्य हो सकता है। 1 डिप्लोमा एंड 1 सर्टिफिकेट, ये भी मान्य हो सकता है। 2 PG डिप्लोमा, ये भी मान्य किए जा सकते हैं। 2 डिप्लोमा, ये भी मान्य किए जा सकते हैं। और 2 सर्टिफिकेट कोर्स, ये भी मान्य किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3 प्रकार के एकेडमिक होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स, लेकिन डिग्री और डिग्री का कॉम्बिनेशन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ये पहले मान्य नहीं होता था। 2012 से लेकर के 2016 तक डबल डिग्री को मान्य किया गया। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि 2012 का रूल क्या था और किस प्रकार से इसको बदल दिया गया है। आइए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, एक ये लेटर हेड दिख रहा है आपको, ये 28 दिसंबर 2012 का लेटर है डॉक्टर आर मनोज कुमार, शिक्षा अधिकारी, और इन्होंने ये पत्र लिखा था सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी कुलपति थे उनको, इस निर्देश के साथ में कि 29 दस 2012 को एक समिति की बैठक संपन्न हुई और उसमें जो भी डिस्प्यूट रहे थे डबल डिग्री से संबंधित, जो भी बातें रही थी, उनमें कोई एक यूनिफॉर्म नियम बनाया जाए और उनकी एडवाइस ली जाए और इस निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए। तो
तो दोस्तों इसके हिसाब से ये समिति गठित हुई और इस समिति ने अपने नियम बनाए कि डबल डिग्री को किस प्रकार से मान्य किया जा सकता है और यदि मान्य नहीं किया जाना है तो कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रहेंगे जिनको कि मान्य किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ज्वाइंट डिग्री से संबंधित भी इसमें बात कही गई है। तो आइए दोस्तों इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि उन्होंने इसमें क्या क्या रूल्स दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को भी इंटीमेशन हो कि आखिर डबल डिग्री का मैटर किस हद तक आगे जा सकता है और कोर्ट में भी उससे किस प्रकार से सहायता मिल सकती है इस लेटर के माध्यम से। देखिए दोस्तों शॉर्ट में समझ लें कि उनके जो सदस्य थे इस समिति के, उनमें चेयरमैन और कुछ मेंबर्स थे। तो आइए अब इन्होंने क्या निर्णय लिया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। आइए दोस्तों पहले पॉइंट पर विचार करते हैं कि स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिग्री प्रोग्राम अंडर रेगुलर मोड मे बी अलाउड टू परसू अ मैक्सिमम ऑफ वन एडिशनल डिग्री प्रोग्राम साइमल्टेनियसली अंडर ओपन ऑब्लिक डिस्टेंस मोड फ्रॉम द सेम और अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी। यानी कि जो भी डिग्री प्रोग्राम वो कर रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको मान्य किया जा सकता है, लेकिन उसको रेगुलर मान्य नहीं किया जा सकता। या तो वह ओपन से करे या फिर वह डिस्टेंस से किया जाना चाहिए। दोनों डिग्री दोनों मान्य होने की दोस्तों 2012 में बात की है समिति ने। हाउएवर यद्यपि टू डिग्री प्रोग्राम्स अंडर रेगुलर मोड मे नॉट बी अलॉट साइमल्टेनियसली, ये किसी प्रकार से हालांकि मान्य नहीं की जा सकती, एज इट मे क्रिएट लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक प्रॉब्लम। तो इसमें काफ़ी कुछ ऐसी वैधानिक समस्याएं आएंगी, एकेडमिक समस्याएं आएंगी, जिसको कि सुलझाने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट पर ये बात करते हैं डिग्री के साथ में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर बात कही है कि अ स्टूडेंट परसुइंग अ डिग्री प्रोग्राम अंडर रेगुलर मोड मे बी अलाउड टू परसू अ मैक्सिमम ऑफ वन सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑब्लिक एडवांस डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम साइमल्टेनियसली आइदर इन रेगुलर और ओपन एंड डिस्टेंस मोड इन द सेम यूनिवर्सिटी और फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। यानी सेम यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, अदर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, और यदि वह इस डिग्री के साथ में या तो वह रेगुलर डिप्लोमा कर सकता है, सर्टिफिकेट कर सकता है, ओपन से डिप्लोमा कर सकता है और ओपन से सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है, प्राइवेट से कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो डबल डिग्री की बात है उसमें इन्होंने अपना हाथ खींच लिया है दोस्तों। तो ये एक जो 2012 का सर्कुलर था वो ये चीज़ कहता है। अब इसमें दोस्तों एक पॉइंट और है जो बात करता है दोस्तों ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम की। यहाँ पर UGC के इंटीमेशन से यदि दो यूनिवर्सिटी चाहे तो एक ज्वाइंट डिग्री दी जा सकती है कैंडिडेट को, इस पर भी इन्होंने विचार किया है। और जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि 23 मई 2020 को UGC ने डबल डिग्री को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी ये एक्ट नहीं बना है, अभी ये प्रोग्रेस में है। उसमें इस ज्वाइंट डिग्री की भी बात की है कि जहां पर दो यूनिवर्सिटी एक साथ ज्वाइंट के रूप में डिग्री दे सकेंगी, उनका एक टाई अप रहेगा और इसमें UGC की गाइडलाइन को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों ये तो ज्वाइंट डिग्री की बात है, लेकिन जो हमारी मेन बात थी कि डबल डिग्री की, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 2012 में तो अनुमति दे, लेकिन दोस्तों काफी कुछ विवाद आए इसके बाद और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी कई सारे मैटर गए। तो हाई कोर्ट ने इसके संबंध में जो गाइडलाइन दी थी वो ये कहा था कि जो अधिनियम है UGC का उसके हिसाब से ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो डबल डिग्री पर विचार किया जाए, और उन्होंने जो है वो याचिकाएं बहुत सारी जो लगाई थी कैंडिडेट ने वो खारिज कर दी। और उसके बाद में 2016 में UGC ने भी नियम निकाल दिया कि दो डिग्रियां एक साथ मान्य नहीं की जाएंगी। यानी कि इसके संबंध में तो स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये मान्य नहीं होगी, लेकिन डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में कोई भी स्पष्ट निर्देश उन्होंने नहीं दिए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि दो डिप्लोमा, एक डिग्री और एक डिप्लोमा, जैसा मैंने मोड बताए, उनमें मान्य की जा सकती है। तो दोस्तों ये जानकारी हो सकता है कि आपके बहुत काम की हो, और साथ ही साथ ये 2012 का जो लेटर है इसके आधार पर भी यदि आगे कोई दिक्कत आती है तो इसकी सहायता ली जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।